इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए आपको ले चलते हैं अभी की एक बड़ी खबर पर। माकपा ने सीएम कार्यालय पर मनरेगा मजदूरों को लेकर किया प्रदर्शन। वार्ता में 3 मांगों पर बनी सहमति। शेष मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर लगाया गया अनिश्चितकालीन धरना। रायसिंह नगर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज माकपा ने नरेगा मजदूरों की मांगों को लेकर उपजिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। वह 2 घंटे तक उपजिला कलेक्टर महोदय का घेराव किया। घेराव के बाद विकास अधिकारी पंचायत समिति रायसिंह नगर और उपजिला कलेक्टर अर्पिता सोनी ने माकपा सचिव कालू थोड़ी सहित पूरे प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में माकपा सचिव कालू थोड़ी ने बताया कि रायसिंह नगर पंचायत समिति में नरेगा के काम बंद पड़े हैं। गरीब लोगों के जॉब कार्ड नहीं बन रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो धरातल पर नहीं है। गरीब लोगों को मकान नहीं मिल रहे हैं। नरेगा मेट्रो का 2 वर्षों से भुगतान नहीं हो रहा है। इन सभी मांगों को उपजिला कलेक्टर के सामने रखा। उपजिला कलेक्टर ने विकास अधिकारी को आदेश दिया कि 1 जुलाई से पहले सभी ग्राम पंचायत में गांव में नरेगा का कार्य शुरू कर देंगे। सभी मजदूरों के हर बृहस्पतिवार को नए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। 3 मांगों पर सहमति के बाद नरेगा मेट यूनियन की तरफ से उपजिला मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। घेराव से पूर्व पूरे बाजार में माकपा नेताओं ने जुलूस निकाला। प्रदर्शन में एसएफआई नेता अरुण पारिक, बलदेव नायक, प्रमोद भाकर, दलीप भाकर, सतपाल बाबरी, विश्वंबर सिंह आदि नेता उपस्थित थे। तरह की अपने आसपास की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टीवी न्यूज को। अगर आप यह फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमारे पेज को। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।